दिस इज कोकनकड़ा फॉर यू। कोकनकड़ा से नीचे की वैली का दिखने वाला ये नज़ारा, इन दैट ब्यूटिफुल। कोकनकड़ा को प्राइड ऑफ महाराष्ट्र बोलते हैं एंड इट्स वेल वर्थ इट। लुक एट दैट, कैसा लग रहा है? वेलकम बैक टू काउंटिंग किलोमीटर्स एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एडवेंचर। इट्स 3rd March एंड वी आर जस्ट लीविंग फॉर अ ट्रैक टू हरिश्चंद्रगढ़। एडवेंचर इसलिए क्योंकि मैं प्रियंका को पहली बार ट्रैक पे लेके जा रहा हूँ, स्पेशली ओवरनाइट ट्रैक पे। तो लेट्स सी हाउ शी डज इट एंड ऑफकोर्स आई एम नॉट इन टच विद ट्रैक्स लेटली, तो लेट्स सी हाउ वी ऑल डू इट। मालशेज घाट से जाना है कहीं पे एंड यू डोंट स्टॉप एट द मालशेज व्यू पॉइंट, दैट्स इम्पॉसिबल। इट्स अ मैंडेटरी स्टॉप, इज इट? सो आई वांट टू शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स वन ऑफ द बेस्ट व्यूज ऑफ द सह्याद्री रेंजेस एंड या दिस इज द फर्स्ट व्यू ऑफ हरिश्चंद्रगढ़। आई शो यू, दैट्स आवर डेस्टिनेशन फॉर द डे। इट्स राइट देयर, दैट इज हरिश्चंद्रगढ़। पहुँचने तक तो रात होने वाली है बिकॉज आई थिंक इट्स अनदर 1 hour ड्राइव टू खिरेश्वर एंड देन अनदर 3 or 4 hours ट्रिक। आई डोंट नो बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग। लेट्स सी। This is मैडम का पहला ट्रैक है ओवरनाइट। नर्वसनेस को आपको दिख रहा होगा उनके चेहरे पे। शी इज मोर वरीड अबाउट लायंस एंड टाइगर्स क्रॉसिंग अवे। सो विश आर बेस्ट ऑफ लक। दैट्स हेरम और ये हमारी एलेक्सा। One of the most beautiful places on the way. So this is a beautiful dam. All these backwaters and you see Harishchandragad over there. वहाँ पे पहुँचना है। Of course रात को ही पहुँचेंगे। But फिलहाल हिरम बचा नहीं जाओगे अगर शेर आया तो? पहले भाग जाऊँगा। ऐश्वर्या? नहीं sorry। हाँ? तू जाशील करे वाचवायला? हरिश्चंद्रगढ़ ट्रैक। सो दिस इज वन ऑफ द मेनी पार्किंग ग्राउंड्स अवेलेबल ओवर हियर। यू कैन इजीली पार्क योर व्हीकल्स। जो मैंने डैम दिखाया था वो डैम क्रॉस करके और 2-3 किलोमीटर मतलब हाईवे से तकरीबन हम 7 से 8 किलोमीटर अंदर आ गए एंड वी आर राइट एट द बेस ऑफ दिस टोलर खिंड। ओके फॉर नाउ यहाँ पे हमारी चाय वाली चाय 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 चीयर्स चाय पीने के बाद मिलते हैं।
तुमने जस्ट अभी अभी ट्रैक स्टार्ट किया है। ये दो हमारे लीडर्स, और अगर पीछे से कोई शेर वगैरह आया तो उसको ये टैकल करेंगे। Looks like the fun begins. Till now we were simply walking on open trails. But अचानक से we are right in the summer months and still you can see complete green tunnel. It's amazing. Just 15 minutes into the trek, we've already climbed up this much. Look at the cliffs. So beautiful. It's starting to get dark now. Let's go guys. अंधेरा होने से पहले जितना हो सके कवर कर लेंगे। स्टार्ट करने के बाद ये पहला ओपन प्लेट्यू मिला है एंड बिफोर इट गेट्स टू डार्क लेट मी शो यू, मैं और चढ़ाई करके वहाँ पहुँचना है और फिर इस पूरे माउंटेन के ये जो दिख रहा है इसके पीछे की तरफ से ऊपर चढ़ना है। और जितना अभी तक किया है गाइस, at the valley behind, such an amazing sight. See this, wo dam hai piche aapko dikh raha hai, you just even from there around half an hour, is it aadha ghanta ho gaya start karke, yes. So aadhe ghante mein itni chadhai kar chuke hai, it's almost totally dark now, it's difficult to see but as it's festive time they have set up temporary sort of stalls for nimbu sharbat, kokum sharbat and all that. So right now we have completed the first stretch of this trek. We are exactly at the point which is called as tolar khinda. On this side it's kireshwar village jahan se hum upar aaye, and on the other side it again descends to the other side of the mountain, Akole. Okay. And as he just said, we already sirf 25% hua hai, 75% aur jana hai. So this is the way ahead for us now. This side we have to go. You can see the spot this side. Aur yahan se aage thodi tough chadhai hai. Let's see. So guys, it's almost 10:30 in the night. और हम मंदिर के पास पहुंच गए। ये सामने जो फोकस दिख रहा है वो मंदिर है। यहाँ पे एक्चुअली मेला लगा हुआ है। इट्स यू कैन सी इट्स ऑलरेडी 10:30 एंड देयर आर सो मेनी स्टॉल्स ओवर हियर, सो मेनी पीपल, सच अ बिग क्राउड, एवरीवन्स एंजॉयिंग दिस, लुक एट दैट। It is very slowly actually, आराम से रुकते हुए आए बीच में, still around 4.5 hours, 6 बजे शाम को चालू किया था, 10:30 we have reached here and this is the first timer. चलो अब दर्शन करते हैं एंड फिर कंटिन्यू करेंगे कोकनकड़ा के लिए। Yeah.
ऑलमोस्ट रात के 1 बजे है, टेंट सेटअप हो गया है, एग्जैक्टली कोकनकड़ा पे हम और इट्स बॉनफायर टाइम. अमेजिंग, ठंड भी अच्छी खासी है यहाँ पे. ये हमारा टेंट है सामने, थोड़ी देर में उसमें घुस के सोने वाले हैं, अभी तो फिलहाल गर्म होने की कोशिश में सब लोग. अभी तो सीधा कल सुबह ही मिलेंगे. नाइट. गुड मॉर्निंग गाइस. रात में बहुत बेकार ठंड पड़ी थी. वैसे गुड मॉर्निंग बोल तो रहा हूँ लेकिन यहाँ पे किसी की गुड मॉर्निंग हुई नहीं है. ये हिरम है, इधर ऐश्वर्या और मैडम के घुटने कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं. ओ गुड मॉर्निंग. बाहर से इतने लोगों की आवाज़ आ रही है कि बाहर जाके मतलब इतनी भीड़ है वो देखने का भी मन नहीं कर रहा है. वी आर स्टिल इनसाइड द टेंट, इट फील्स कोजी इनसाइड हियर. इट्स ऑलरेडी पास्ट आई थिंक 7:30. चलो बाहर जाके कोकनकड़ा दिखाते हैं आपको. इट्स टाइम टू वॉक आउट ऑफ द टेंट. सी दिस, इतने लोग हैं देखो यहाँ पे. इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग. कोकनकड़ा को रियल प्राइड ऑफ महाराष्ट्र बोलते हैं और वो क्यों बोलते हैं मुझे आज पता चला. इट्स अ साइट टू बीहोल्ड. This is Kokankada. और यू नीचे जो पूरे क्लाउड दिख रहे हैं दैट इज द वैली और ये है कोकनकड़ा. लुक एट दिस. यहाँ पे एक सेल्फी लेना तो बनता है, बाद में मिलते हैं. ऑलमोस्ट टाइम टू लीव फ्रॉम हियर. कोकनकड़ा तो एक्सप्लोर कर लिया, वापस हरिश्चंद्रगढ़. वहाँ पे तो बहुत भीड़ होने वाली है. अच्छा हुआ ना रात को ही दर्शन कर लिए थे. टेंट पैकअप कर लिया है. बिफोर वी लीव यहीं से ब्रेकफास्ट करके निकलना है. चूल्हे पे वो खाना हुआ खाना चाहिए. कुठले जाता तुम्ही? पास नाही. रात्री पण इकडेच होते का? एव्हरी वीकेंड दे क्लाइंब अप अँड सेट अप द स्टॉल्स ओव्हर हियर अँड ऑफ कोर्स देयर इज नो अदर चांस. ऑल द बिस्किट्स अँड ऑल द रॉ मटेरियल व्हॉट एव्हर रिक्वायर्ड टू कॅरी ऑन द हेड्स. चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बाद में मिलेंगे. सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम कोकनकड़ा नाउ. रिटर्न जर्नी चालू हो गया है एंड द क्लाउड्स आर देयर. सम स्ट्रेच बिटवीन द हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर एंड कोकनकड़ा. एक्चुअली वी कवर्ड ऑल दिस स्ट्रेच अराउंड द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट यस्टरडे. सो आई डिडंट शूट एनीथिंग. इनफैक्ट आई कुडंट शूट इवन इफ आई वांटेड. कुछ दिखने वाला नहीं था एंड वी वर हेल टायर्ड. एक्चुअली you'll at least get a feel how it was climbing up yesterday in the pitch dark climate. Let's go. And this is where they take bath and then go for darshan. This is also looks like a historic big kund. Look, it's already summer months and still it has got so much of water. See, kal raat ko humne aaram se darshan le liya tha aur
डिनर भी कर लिया था और अब पूरी लाइन लगी है। अब वी विल गो ऑन इंक्रीजिंग थ्रू आउट द डे। आई हैव हर्ड दैट देयर इज अ शिवलिंग व्हिच इज हाफ इमर्स्ड इन वाटर थ्रू आउट द ईयर। इट्स राइट इन दिस केव। लेट्स फाइंड आउट। बीइंग अ फेस्टिवल टाइम इज अ लॉट ऑफ क्राउड। लेट्स गो एंड चेक। We have now started the actual way back. This is the mandir and the yatra place. Now we are leaving from here. We'll take back the Bale Killa and वहाँ से फिर Kireshwar वाला route. यहाँ से you can see constant crowd flow. ये पाचनी side से आ रहे हैं, which is the easiest route to climb. Look at the crowd coming up. Croc mount से जुगाड़ करके ये GoPro यहाँ पे set कर दिया है। अब इसके आगे मैक्सिमम फुटेज में इसी से लूँगा। चलो लेट्स गो। बाय बाय हरिश्चंद्रगढ़। डेफिनेटली विल विजिट अगेन और नेक्स्ट टाइम तो मानसून में ही आऊँगा। सो मंदिर से रिटर्न रूट पे अराउंड 20-25 मिनट्स चलने के बाद यू विल कम अक्रॉस दिस पॉइंट। देर आर टू रूट्स फ्रॉम हियर। वन गोज दिस वे एंड वन गोज द अदर वे वेर द लेडीज वॉकिंग। विल बी टेकिंग दैट रूट। वो बाले किला होके जाता है रास्ता एंड दैट इज द इजियर वन टू क्लाइंब। एक्चुअली एक सिंगल क्लाइंब है और फिर एक प्लेट्यू क्रॉस करके फिर डिसेंड करना है। बट देन इफ यू टेक दिस रूट दिस इज अराउंड 10 मिनट शॉर्टर इफ यू वॉक नॉन स्टॉप। बट इसमें आपको दे कॉल इट सात टिकड़न सा रास्ता, मतलब आपको सात हिलॉक्स चढ़ के उतरने हैं। सो इट्स अ बिट challenging to do this route, so we'll be taking the easier one. Most of the crowd is taking that route only. वैसे वो लोग बोलते हैं कि ये easy route है, एक ही climb है इस route पे, लेकिन it's kind of steep. अच्छी खासी जान निकल जाती है इसको चढ़ने में। कल उतरते वक्त ही पता चला था। द गुड पार्ट इज इट्स गोइंग थ्रू द जंगल, तो धूप नहीं लग रही है। सो वी हैव कंप्लीटेड दैट स्टीप क्लाइम। अभी कम से कम 15-20 मिनट का मेरे ख्याल से ही ऐसे ही प्लेट्यू चलना है। ये जो राइट साइड में ऊपर दिख रहा है वो बाले किला बुद्ध है, मतलब जो मेन फोर्ट्रेस जहाँ पे सारे महल और ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन यूज टू हैपन फ्रॉम दोज प्लेसेस। आई कैन सी द फोर्टिफिकेशन ओवर देयर ऊपर। मे बी नेक्स्ट टाइम इफ यू कम इन मानसून, गर्मी नहीं रहेगी तो शायद यू बी एबल टू एक्सप्लोर दैट। अभी के लिए तो सीधा Kireshwar भाया तो लड़किंग। वी आर डन विद द इजियर पार्ट ऑफ दिस ट्रिप, जो मंदिर से आधे तक पूरा प्लेट्यू, सो कॉल्ड प्लेट्यू क्रॉस करना था वो कर चुके। अब यहाँ से पूरे वो रॉक पैचेस उतरने हैं डायरेक्टली इनटू द वैली। दीज आर सम ऑफ द टफेस्ट पैचेस इन दिस ट्रिप। अभी वहाँ से उतर के जाना है बट ऑलरेडी ऊपर चढ़ने वाले लोगों ने अच्छा खासा ट्रैफिक बना रखा है। दिस इज एंटायरली अहमदनगर साइड। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, मानसून में तो बहुत बढ़िया लगेगा। मैनी केव्स हरिश्चंद्रगढ़ पे, जितने मतलब काउंट नहीं कर सकते कितने केव्स है। इट्स वन ऑफ दोज। ये भी कम से कम 30-40 फुट अंदर तक दिख रहा है मुझे, तो 15-20 लोग तो आराम से अंदर जाके बैठ सकते हैं।
We are already behind the schedule now. It's almost 1:40 PM. और अभी अभी तोलारखिंड वाला जो स्पॉट है वहाँ से निकले हम लोग. सो इट सीम्स अराउंड एक घंटा और लगेगा नीचे पहुँचने में. ज्ञाना कुठून आले? आम्ही जिन्नर डिंगोरी. कुठलं ते? अच्छा इथे खालीच. ग्रेट. कधी चढले वरती? आई शप्पा खतरनाक. म्हणजे दर्शन घेऊन लगेच खाली. चलो भेटूया परत कुठल्या तरी ट्रेकला. ऑलमोस्ट डन इट. सब मेरे ख्याल से अब 5 मिनट में खिरेश्वर पहुंचने वाले हैं. और ये मैडम की हालत ऐसी है कि इनको धक्का मार के लेके जाना पड़ रहा है. 6 PM yesterday we started and right now it is almost 3 PM. So 21 घंटे. 21 घंटे में हरिश्चंद्रगढ़ मंदिर केव्स फिर कोंकणकड़ा पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया. तारामती पे नहीं गए और जैसे मैंने आपको बताया बाले किला भी इस बार स्किप कर दिया. वो दोनों पॉइंट मानसून के लिए. फिर आने के लिए कुछ तो मोटिवेशन चाहिए. ट्रिक कंप्लीट हो चुका है. इट्स टाइम टू लीव नाउ. ये मेरे पीछे जो पूरा पहाड़ है हरिश्चंद्रगढ़ का ट्रैक यहाँ से आगे जाता है. अभी हम यहाँ से उतर के आए हैं. खिरेश्वर विलेज में है अभी. एंड टाइम टू लीव फॉर होम. चले लेट्स गो.